अलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे चने की दाल भुनी हुई ढाबा स्टाइल में। ये देखिए, पहले आयल डाला, अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। साबुत गरम मसाला डालना है, तेज पत्ता बीच में शामिल किया, दालचीनी के दो टुकड़े। आयल यहाँ पे गर्म हो चुका है, अब इसमें आधी चम्मच ये हमने जीरा डाला, और साथ में हमने ये दरमियाने साइज का एक प्याज कटा हुआ डाल शामिल कर दिया। ये प्याज ब्राउन होता है, जब ब्राउन हो रहे हैं अब इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ये एक चम्मच जितना पीस के रखा था वो शामिल किया। साथ ये दाल हमने भूनी करके रखी है, आधा घंटा पहले हमने प्याज, अच्छा ये प्याज हो गया ब्राउन, अच्छा ये दाल पानी आधा घंटा पहले गर्म की थी। अच्छा ये हमने बीच में दाल डाली, अच्छा इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना। साथ ही अब इसमें हम मसाले शामिल कर देंगे, आधा चम्मच नमक, हल्दी, जायका, सही है ये अपनी मर्जी पर जाए, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच ये सूखी हुई लाल मिर्च की ठीक, और ये हल्दी पाउडर थोड़ा आधी चम्मच। ये मसाला जले ना, इस टाइम पे दाल अच्छी तरह हो जाए। दाल का पानी ये खुश्क हो चुके, इस टाइम पे आकर इसमें हमने ये लहसुन अदरक कुंडी में पीसा था ये इसका पानी ये इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा ऐसे, ये एक दो घूम सही पानी को अच्छी तरह डाल। अच्छा दाल में टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालना हमें, तो ये देखें आयल छोड़ दिया और मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब हमने इसमें पानी शामिल करना है, ढक्कन बंद कर दें। मिनट के बाद हमने दाल को चेक किया, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से घुल गई है दाल, सही। ये चने की दाल जब भी अच्छी लगती है जब ये बिल्कुल घुली हुई हो और अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। अच्छा मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें मैंने टमाटर नहीं डाला, टमाटर का, हरी मिर्च, जीरे का हमने तड़का लगाना है, सही। ये अच्छा पैन में हमने आयल डाला और ये हमने टमाटर हरी मिर्ची काट के रख ली, इसके अलावा और किसी चीज़, ये जीरा जाएगा आधी चम्मच, सही है। जीरा हमारा करकराने लगे, इस टाइम पे इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है, बस जले ना गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। इसके बाद हमने इसमें हरी मिर्ची शामिल करनी है चम्मच की मदद से, सही। साथ में हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, हरी मिर्ची, हाँ हरी मिर्ची भी मिल जाएगी, और ये टमाटर ले जाएंगे। ये तड़का अब हम ये इसको देखती में डालेंगे, उसके बाद हम इसे डिश आउट करते हैं। अक्सर चने की दाल खाई होगी, बहुत टेस्टी, उसका सीक्रेट ये था कि हरी मिर्ची, जीरा और टमाटर का तड़का, ऊपर से ये काली मिर्ची सर्व करते हुए, और साथ में आप डालेंगे ये हरा धनिया। अच्छा इसमें एक चीज़ और होती है कि बाज़ दफ़ा
इसमें एक चीज और होती है कि बाज दफा ये होता है कि चने की दाल को बॉयल करके रख लिया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा कि मसाला बनाने के बाद उसमें चने की दाल शामिल की थी लेकिन बॉयल की हुई नहीं थी। सही, उसके बाद मैंने ये तड़का लगाया। आप भी इस तरह से ट्राई करके देखें, बहुत अच्छी बनती है, बड़ी मज़े की बनती है। ठीक, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात आपसे होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।